Hello and welcome to the Ashish Math students. Today I am going to discuss about the Hindu and PIB analysis, news analysis of 14 January 2020. And this session is very important for the UPSC 2020 students. Right. So, आज हम लोग discuss करेंगे students the Hindu and PIB analysis 14 January 2020 का. और ये जो है उन सारे बच्चों जो के लिए इम्पोर्टेंट है जो 2020 में एग्जामिनेशन लिखने वाले हैं, चाहे वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, कैट हो, एफ कैट हो, बैंक हो, एसएससी, रेलवे एंड अदर कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो. अगर आप इस सेशन को देखते हैं तो यू आर एबल टू ऑब्टेन द 100% मार्क्स इन द करेंट अफेयर, राइट. और जिसमें मैं बहुत ही स्टैंडर्ड पेपर को कवर कर रहा हूँ. तो यहाँ पे जो है ये चैनल को स्टूडेंट्स आप सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे. तो यहाँ पे आपको जीके जीएस का क्लास मिलेगा, प्लस में आपको करेंट अफेयर के भी क्लासेस आपको अभी मिल ही रहे हैं. साथ ही साथ आपको यहाँ पे मैथ के भी क्लासेस मिलते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें अभी आपका टाइम एंड वर्क चल रहा है, राइट. तो आप इस क्लास आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए. अगर आप मेरे साथ अनअकैडमी प्लस पे जुड़ना चाहते हैं तो वहां पे भी मेरे साथ जुड़ के पढ़ाई को कर सकते हैं, राइट. तो बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर आप यहाँ पे फ्री में क्लासेस क्यों नहीं ले रहे हैं, तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे फ्री में क्लास लेना स्टार्ट कर दिया हूँ. तो आप मेरे साथ जुड़ के पढ़ाई को और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है. तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं. सेशन में आपका जो है रहने वाला इस टाइप से क्लास, पहले कोर्स डिस्कस करेंगे, एडिटोरियल एनालिसिस देखेंगे, वोकेबिलिटी देखेंगे, न्यूज एनालिसिस करेंगे, करंट अफेयर क्वेश्चन होगा, कैपिटल एंड करेंसी डिस्कस करेंगे, हिंदी क्विजेस डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर आई विल डिस्कस अबाउट द मैप बेस्ड क्वेश्चन. ये आपका होमवर्क है. आप अगले दिन जो है वो बांग्लादेश का जो है वो मैप में देख कर आएंगे. और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो पीछे का जो मैप था वो, और पीछे का मैप में मैंने आपको दिया था चाइना के बारे में पढ़ने के लिए, राइट. तो आई होप आप लोग पढ़ के आए होंगे. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वही चाइना के बारे में. अब यहाँ पे देखिए आज का कोट ये है, एक्सेप्ट प्रॉब्लम एंड ईट देम फॉर ब्रेकफास्ट, राइट. तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है, एक मिनट स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है स्टूडेंट्स कि एक्सेप्ट द प्रॉब्लम एंड इट देम, एक मिनट थोड़ा इसे सिस्टम हैंग हो रही है, राइट. चलिए तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है एक्सेप्ट प्रॉब्लम्स एंड ईच देम फॉर ब्रेकफास्ट, राइट. तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलेंगे, फिर से सिस्टम हैंग करने लगे स्टूडेंट्स, एक मिनट बस थोड़ा सा समय देंगे. एक्सेप्ट प्रॉब्लम एंड ईच देम फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है. तो समस्या को छोड़कर एक या नाश्ते, चलिए एक मिनट बस 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 चलिए अब सिस्टम में दिक्कत खत्म हो गई स्टूडेंट्स. चलिए तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो एक्सेप्ट द प्रॉब्लम एंड ईट देम फॉर ब्रेकफास्ट. तो यहाँ पे इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, तो एक्सेप्ट, फिर से एक्सेप्ट प्रॉब्लम एंड ईट देम फॉर ब्रेकफास्ट. एक मिनट, ठीक है. चलिए अब यहां पे ये ठीक है एक मिनट, ठीक. चलिए अब आपका ठीक हो गया. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एक्सेप्ट द प्रॉब्लम एंड ईट देम फॉर ब्रेकफास्ट. तो यहाँ पे जो है समस्याओं को अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि समस्याओं को छोड़कर नाश्ते, मतलब यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग इसका ये है कि कभी भी जो है वो आप समस्याओं को इग्नोर कर दीजिए
और उसको जो है आप अपने नाश्ते के साथ खा जाइए, मतलब आप उसे हजम कर जाइए। क्योंकि अगर आपके साथ आपके लाइफ में अगर समस्या है तभी आप कुछ बेहतर कर सकते हैं, अदरवाइज आप जितने भी व्यक्ति को देखिए जो भी सक्सेसफुल पर्सन है अगर उनके लाइफ में वो चीज नहीं होता तो शायद वो उतने सक्सेसफुल नहीं होते जितने वो हैं, राइट। तो जो होता है अगर आप बोलेंगे कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आने बहुत ही जरूरी हैं स्टूडेंट्स, अगर प्रॉब्लम अगर आपके लाइफ में नहीं है तो आप जिंदगी में अच्छे मुकाम तक नहीं पहुंच सकते हैं। प्रॉब्लम जो होता है वो आपके लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, तो अगर जितनी ज्यादा प्रॉब्लम जिसके लाइफ में होती है वो उतना ही ज्यादा अच्छा करता है, राइट। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, वोट फॉर द स्टेट क्वेयर ऑन द रूलिंग पार्टी विन इन द ताइवान। तो ये आपका द हिंदू एडिटोरियल है, तो इसमें आपका बहुत ज्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे, तो इसमें रूलिंग पार्टी के बारे में बात करना है हम लोगों को। तो रूलिंग पार्टी जो है जो अभी जीत कर आई है तो वो जो है डिस्प्यूट्स जो है वो आपका ज्यादा बनने वाला है चाइना और आपका जो ताइवान है उसके बीच में, ठीक है। तो यही यहाँ पे पूरे राइटर बोल रहे हैं, तो ये हमारे प्रोस्पेक्टिव्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स, बस इतना ध्यान रखना है कि अभी जो है वहां पे ताइवान प्रो डेमोक्रेसी से प्रेसिडेंट चुन के आए हैं तसई इंग वेन, जिनका री इलेक्शन हुआ था और उनको जो है पहले 1996 में डायरेक्ट जो है वो कंट्री का पहला डायरेक्ट इलेक्शन में उनको जो है मतलब टाई हो गया था उनका चाइना के साथ, लेकिन अभी डेमोक्रेटिक पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी में जो है वो 2018 में उनका सफर मतलब बहुत बड़ी लॉस हुई थी, ठीक है, लोकल इलेक्शन में। लेकिन अगर सैटरडे के बारे में बात करें तो उन्होंने 57% वोट जो है वो चैलेंजर जो उनके अपोनेंट्स थे उनके खिलाफ लाया, जिनका नाम था हैन क्यों यू, ठीक है, जो कोई मिंट पार्टी के थे और जो कि एक बार चाइना में रूल कर चुके हैं बिफोर मूविंग द ताइवान, ताइवान जाने से पहले। द अपोजिशन टू द बीजिंग वन कंट्री टू सिस्टम पॉलिसी हैज लॉन्ग द डिफाइंड द रूलिंग डीपीपी। तो यहाँ पे जो बीजिंग्स की जो एक कंट्री का जो ऑपोजिशन जो था उसमें दो सिस्टम पॉलिसी थी, तो यही इसके बारे में यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि ये जो रूलिंग पार्टी है उससे आपका चाइना में जो है वो आपका चाइना के साथ इसका संबंध अच्छा नहीं रहने वाला है, तो यही सारी चीज है। तो चलिए आपका इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपके प्रोस्पेक्टिव्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे अभी हम लोग बात करेंगे किस चीज के बारे में, इंडियन हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो इंडियन हार्वेस्ट फेस्टिवल में द हार्वेस्ट फेस्टिवल इज ऑन, द फेस्टिविटीज हैव ग्रिप्ड द नेशन फ्रॉम द नॉर्थ टू द डाउन साउथ। तो यहाँ पे हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है वो आपका स्टार्ट हो चुका है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यही हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, एक मिनट। एक मिनट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है वो आपका स्टार्ट हो चुका है और पूरे अगर हम लोग बात करें तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करता है, तो वही सारा चीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हार्वेस्ट फेस्टिवल में कहाँ कहाँ पे इसको किस किस नाम से जाना जाता है, तो वो सारा चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो वेरियस फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया विद अनदर नेम। तो यहाँ पे जो है अलग अलग नामों से इसी फेस्टिवल को, हार्वेस्ट फेस्टिवल को अलग अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट में इसको मनाया जाता है, ठीक है। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल इज ऑन एंड उत्सव की बात करें तो उत्सव में उत्तर से दक्षिण की ओर जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है, वो बढ़ते जा रहा है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो वेरियस फेस्टिवल्स बीइंग सेलिब्रेटेड अक्रॉस द नेशन, राइट। तो बहुत सारे फेस्टिवल जो है यहाँ पे पूरे नेशन में हमारे सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे कि मकर संक्रांति हो गया, पोंगल हो गया, मेघू बिहू हो गया, उत्तरायण हो गया, माघी हो गया, साजी हो गया, खिचड़ी हो गया, तो ये सारे चीज जो होते हैं हमारे यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअल में मकर संक्रांति के बारे में हम लोग बात करते हैं, द फेस्टिवल ऑफ मकर संक्रांति विल बी सेलिब्रेटेड इन कर्नाटका एंड व्हेन द सन इंटर टू द मकर जोडियक एंड
डे बिगिन टू द लेंदेन कंपेयर टू द नाइट्स। तो यहां पे मकर संक्रांति जो है वो आपका सेलिब्रेट किया जाएगा कर्नाटका में, जब सन जो है वो आपका कहां पे इंटर करता है, मकर जोडियक में, और ये जो दिन जो स्टार्ट होता है वो आपका बड़ा होना स्टार्ट होता है एज कंपेयर टू नाइट। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो इस तरीके से वहां पे जो है इसको मकर संक्रांति को मनाया जाता है। इसके बाद पोंगल, पोंगल जो है वो आपका साउथ इंडिया में मनाया जाता है स्टूडेंट्स, राइट। तो पोंगल जो है अगर उसके बारे में बात करें तो इन साउथ इंडिया एंड पार्टिकुलरली इन द तमिलनाडु इट इज द फेस्टिवल ऑफ द पोंगल विच इज बीइंग सेलिब्रेटेड ओवर द फोर डे ऑफ एट द हार्वेस्ट टाइम। तो ये जो है चार दिनों का फेस्टिवल मनाया जाता है, जैसे साउथ इंडिया में बात करें तो पार्टिकुलरली ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, और ये जो है हार्वेस्ट टाइम में चार दिनों के लिए मनाया जाता है, राइट। उसके बाद मेघा बिहू के बारे में बात करें, ये आसाम में मनाया जाता है एंड मेनी पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न। द फेस्टिवल ऑफ मेघा बिहू इज सेलिब्रेटेड, राइट। तो ये नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा मनाया जाता है, आसाम में अगर आप बात करें तो उधर आपका मेघा बिहू सेलिब्रेट किया जाता है। इट्स द फर्स्ट हार्वेस्ट सीजन बींग ऑफर टू द गॉड अलॉन्ग विद द प्रेयर ऑफ द पीस एंड प्रोस्पेरिटी। तो यहाँ पे शांति और समृद्धि के लिए जो है यहाँ पे गॉड को ऑफर किया जाता है, प्रे किया जाता है, ठीक है। एंड उत्तरायण गुजरात सेलिब्रेट इन द फॉर्म ऑफ द कॉनवाइवल काइट्स ऑफ द फेस्टिवल ऑफ द उत्तरायण। तो यहाँ पे जो है गुजरात में ऐसा सेलिब्रेट किया जाता है, वहां पे जो है पतंग उड़ाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं मघी पंजाब में मनाया जाता है, मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड एज मघी इन पंजाब। तो पंजाब में मकर संक्रांति को ही मघी के नाम से जानते हैं, एंड बाथिंग इन द रिवर इन द अर्ली आवर्स ऑन मघी इज इंपॉर्टेंट। तो वहां पे नदी में जो है सुबह सुबह नहाया जाता है, स्नान किया जाता है, बाथिंग किया जाता है, और वो जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साजी इन शिमला डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल मकर संक्रांति नोन एज द मेघा साजी। मेघा साजी इज अ पहाड़ी वर्ड ऑफ द संक्रांति, ठीक है। तो वहां पे वो पहाड़ी वर्ड है एंड स्टार्टेड ऑफ द न्यू मंथ, और जब ये नया मंथ स्टार्ट होता है तब ये जो है स्टार्ट हो जाते हैं। हिंस दिस डे मार्क द स्टार्ट ऑफ द मंथ ऑफ माघ। तो माघ हिंदी में जो होता है माघ, तो उसके मंथ के स्टार्ट में इस चीज को मनाया जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है, शिमला में, अगर हम लोग बात करें तो हिमाचल के शिमला डिस्ट्रिक्ट में, राइट। और उसके बाद खिचड़ी, द फेस्टिवल इज खिचड़ी इन द उत्तर प्रदेश एंड इन्वॉल्व द रिचुअल बाथिंग। तो इसमें भी क्या किया जाता है, एक धार्मिक स्नान करने की जो है वो आपकी जो है प्रथा है। और ये कहाँ पे खिचड़ी मनाया जाता है, ये आपका उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। चलिए अब उसके बाद आउटसाइड इंडिया में बात करें तो साकरेन इज एन एनुअल सेलिब्रेशन ऑफ द विंटर इन द बांग्लादेश ऑब्जर्व विद द फ्लाइंग ऑफ द काइट्स। तो यहाँ पे बांग्लादेश में भी इसको मनाया जाता है, किस नाम से, साकरेन के नाम से। उसके बाद मघी संक्रांति के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये नेपाल में मनाया जाता है, और इसमें जो है फर्स्ट माघ विक्रम संवत हिंदू सोलर नेपाली कैलेंडर, मतलब लगभग ये जो है 14 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो ये सारा जो है हार्वेस्ट फेस्टिवल है जिसमें हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज। तो थ्री इंडियन सिटीज हैव बीन लिस्टेड एज द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्बन एरियाज सर्वे बाय द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिवील। तो यहाँ पे इसके द्वारा ये रिवील किया गया कि तीन ऐसे भारत के सिटी हैं जो वर्ल्ड के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी में है। तो सिटी का रैंक जो है वो आपका किस चीज पे बेस्ड होता है, तो वो सारे चीज को भी हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स। तो सिटी आर रैंक बेस्ड ऑन द टोटल परसेंटेज चेंज 2015 and 20 फोरकास्ट। तो यहाँ पे जो है 2015 से 20 के बीच में जो भी फोरकास्ट किया जाएगा तो वहां पे उसके अकॉर्डिंग सिटीज को रैंक किया गया है। एंड द इकोनॉमिस्ट हैज द लिस्ट इज बेस्ड ऑन द डाटा फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन डिवीजन। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन डिवीजन के द्वारा ये डाटा जो है वो आधारित है, उसके डेटा पे आधारित है। इकोनॉमिस्ट हैज लिस्टेड द रेट एट विच द पॉपुलेशन एंड अर्बन एग्लोमिरेशंस UA are expected to increase the 2015 to 2020। तो यहाँ पे इकोनॉमिस्ट ने ऐसा लिस्ट किया है, इस तरीके से लिस्ट किया है कि यहाँ पे जो रेट जो है पॉपुलेशन में वो अर्बन एग्लोमिरेशन, एग्लोमिरेशन मतलब सर्कुलेशन, तुम बोल
आप बोल सकते हैं इसको सकुलेशन, राइट, संकुलन, संकुलन। तो इस ये सारे वर्ड जो मैं बताता हूं ये भी आप इसको लिख लीजिएगा, ये सारा वर्ड जो है हिंदू पीआईबी या इंडियन एक्सप्रेस का होता है। तो अगर आप इस टाइप का वर्ड अगर आप एग्जामिनेशन में लिखते हैं तो यू विल गेट द बेटर मार्क्स इन द यूपीएससी एंड एनी टाइप ऑफ द डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, राइट। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स ने क्या किया था कि यहाँ पे इस तरीके से लिस्ट किया था कि 2015 से 20 के बीच में ऐसा अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पे शहरी ढेर, जो भी शहरी ढेर या फिर एग्लोमेरेशन, मतलब यहाँ पे शहरी ढेर भी आप बोल सकते हैं, राइट। तो ये जो है शहरी ढेर भी आप इसको समझेंगे, तो ये आपका आ गया शहरी शहरी ढेर, राइट। तो शहरी ढेर जो है उसकी आबादी बढ़ने की उम्मीद है और उसी दर से सूचीबद्ध किया गया है। तो 2015 से 20 के अकॉर्डिंग जो भी आपकी पॉपुलेशन बढ़ने की उम्मीद है उसी के अनुसार जो है यहाँ पे अर्बन एग्लोमेरेशंस को, मतलब यहाँ पे इस तरीके का लिस्ट जो है वो इकोनॉमिक्स के द्वारा बनाया गया है। एंड मल्लापुरम, खोजी कोड़े एंड कोलम वर ओनली 3 सिटीज मेक इट द टॉप 10 वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो एक है आपका मल्लापुरम, दूसरा है अगर हम लोग बात करें तो खोजीकड़े, कोलम वर द ओनली 3 सिटीज ऑफ द मेक इट टू द टॉप 10 ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज। ये कौन से स्टेट में है, ये कौन से स्टेट में है, ये कौन से स्टेट में है, ये तीनों आपको जो है होमवर्क में आप मेरे को ये कमेंट करके बताएंगे, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, राइट। मल्लापुरम वॉज रैंक 1, राइट, मल्लापुरम वॉज रैंक 1 इन द वर्ल्ड रैंकिंग विद द 44.1% चेंजेस बिटवीन द 2015-20। तो मल्लापुरम जो है वो आपका नंबर 1 वर्ल्ड रैंकिंग में है जिसमें 44.1% जो है वो इसका जो है आपका परफॉर्मेंस जो है वो चेंज होते जा रहा है 2015 से 2020 के बीच, राइट। एंड जबकि वाइल खोजीकोड वॉज रैंक द 4th विद 34.5% चेंज एंड कोलम वॉज एट द नंबर 10 विद 31.1%। तो ये जो है दूसरा 4th रैंक पे ये है और 10th रैंक पे ये है, मतलब पहले रैंक पे कौन है, मल्लापुरम, ठीक है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब वाई देन आर द मल्लापुरम 44%, कोजिकोड़े 34% एंड कोलम 31% ग्रोइंग द सो फास्ट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो ये यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स। तो दिस सिटीज आर सीइंग द रैपिड अर्बनाइजेशन एंड मेन रीजन टू इंक्लूजन ऑफ द न्यू एरिया इन द यूएस लिमिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि ये जो है अर्बन एग्रो, ये जो है अर्बन एग्लोमेरेशंस में ये सबसे आगे अभी है, मतलब शहरी ढेर में, शहरी सकुलन, राइट। तो यहाँ पे जो है ये सिटी रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है एंड इसका मेन रीजन यही है कि इंक्लूज्ड हो रहा है, ये किस चीज में शामिल हो रहा है, यूएस के लिमिट्स में, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें तो 2001 में जो है देर वॉज द 2 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विद द यूए मल्लापुरम, इन 2011 द नंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज डबल एट टू 4। तो यहाँ पे 2001 में 2 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था और 2011 में यहाँ पे 4 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गए और एडिशनल 37 सिटीज वर इंक्लूडेड विद द मल्लापुरम एंड पॉपुलेशन ऑफ द यूए एक्सक्लूडिंग द रेसिडेंट ऑफ द आउट ग्रोथ इंक्रीज ऑलमोस्ट 10 टाइम द सेम पीरियड फ्रॉम द 1,70,409 टू 16,99,060। Obviously because of the inclusion of the urban area in the town. तो यहाँ पे जो है यही बोला जा रहा है कि मल्लापुरम का आखिर फर्स्ट रैंक क्यों आया, तो इसके पीछे रीजन ये है कि 2001 में जो है वो मल्लापुरम में वहां पे जो है था वो आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो था 2 नगर निगम थे, लेकिन 2011 में नगर निगमों की जो भी संख्या थी वो 4 हो गई। मल्लीपुरम में 37 जो इंक्लूडिंग एडिशनल सिटीज जो थे वो भी शामिल किए गए थे। यूए की आबादी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, यूए की आबादी के अकॉर्डिंग तो वहां पे उसी अवधि में लगभग 10 गुना
170,409 से 16,99,060 तक जाहिर है, क्योंकि शहर में मौजूदा शहरी क्षेत्रों में शामिल होने के कारण। तो यहाँ पे इससे ये पता चल रहा है कि इसका मतलब वहां पे जो है वो ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, तभी ये जो पॉपुलेशन है 1,70,409 से लेके कहाँ हो गया 16,99,060। ठीक है, और अगर उसी तरीके से अगर कोलम के बारे में बात करें तो ग्रू फ्रॉम द वन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टू इन 2001 टू 23 सिटी। तो ये जो है कोलम यूए जो है वो आपका एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जो है वो आपका 2001 से 23 सिटी में बढ़ा, एंड वन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड वन म्युनिसिपल काउंसिल इन 2011। तो ये 2011 में वन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हुआ, वन म्युनिसिपल काउंसिल हो गया, एंड इसका पॉपुलेशन जो है वो 130% बढ़ा। इवन दो द पॉपुलेशन ऑफ द ओरिजिनल एसटी ऑफ द कोलम एक्चुअली डिक्रीज बाय द 4%। तो वहां पे जो है ओरिजिनल एसटी जो है वो आपका डिक्रीज हो गया और आपका यहाँ पे ये बढ़ गया, मतलब पॉपुलेशन वहां पे इंक्रीज हो गया। तो ये सारी चीज जो है यहाँ पे इसको जो है अच्छा बनाती है, मतलब वर्ल्ड में अच्छे स्थान में रखती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो मल्लापुरम, चौथा स्थान आपका आ गया कोझिकोड, और फिर लास्ट में जो है आपका दसवां स्थान किसका आया है आपका कोलम का। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द कमिंसरेट सिस्टम, तो कमिंसरेट सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो है उसके बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि उत्तर प्रदेश, द उत्तर प्रदेश हैज अप्रूव्ड द कमिंसरेट कमिश्नरेट सिस्टम ऑफ पॉलिसिंग फॉर द स्टेट कैपिटल लखनऊ एंड इन नोएडा। तो उत्तर प्रदेश ने राज्य की राजधानी लखनऊ और नोएडा को एक पुलिसिंग आयुक्त की प्रणाली को मंजूरी दे दी, जिसको इसको बोल सकते हैं पुलिस, मतलब आप इसे अगर ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि पुलिसिंग आयुक्त प्रणाली। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आयुक्त प्रणाली। तो आयुक्त प्रणाली का जो है वो सैंक्शन अप्रूवल जो है वो मिल गया। ठीक है, वहां पे उत्तर प्रदेश के द्वारा। अब यहाँ पे व्हाट इज द कमिश्नरेट सिस्टम एंड व्हाट आर इट्स बेनिफिट, ये है क्या, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो ये सारा चीज हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और ये जानना भी जरूरी है हमारे लिए। तो बिल्कुल हम लोग इसको बहुत अच्छे से देखेंगे कि आखिर ये है क्या, कमिश्नरेट है क्या। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन द कमीशन सिस्टम द कमिश्नर ऑफ द पुलिस इज हेड ऑफ द यूनिफाइड पुलिस कमांड स्ट्रक्चर, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोर्स इन द सिटी एंड इज अकाउंटेबल टू द स्टेट गवर्नमेंट्स, राइट। अगर हम लोग बात करें कि कमिश्नरेट सिस्टम में कमिश्नर ऑफ पुलिस जो होता है वो क्या है, प्रमुख होता है कमांड संरचना के बारे में अगर हम लोग बात करें तो, जो शहर में बल के लिए जिम्मेदार होता है और राज्य के सरकार के प्रति जवाबदेही भी उसकी होती है। ठीक है, अगर हम लोग आगे बात करें द ऑफिशियल ऑल्सो द ऑफिस ऑल्सो द मजिस्ट्रियल पावर इंक्लूडिंग द दोज रिलेटेड टू द रेगुलेशन कंट्रोल एंड लाइसेंसिंग। तो यहाँ पे ऑफिस में क्या होगा कि यहाँ पे इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो मजिस्ट्रियल शक्तियां भी होती है, जैसे जिसमें आपका अगर हम लोग बात करें तो रेगुलेशन वहां पे कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर लाइसेंसिंग का मतलब विनियमन कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, या फिर लाइसेंसिंग से संबंधित होती है। अगर हम लोग आगे बात करें कि कमिश्नर ऑफ पुलिस के बारे में, तो कमिश्नर ऑफ पुलिस इज ड्रॉ फ्रॉम द डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल रैंक और ओवर इज असिस्टेड बाय द स्पेशल ज्वाइंट एंड एडिशनल डिप्टी कमिश्नर। तो सीपी मतलब कमिश्नर ऑफ पुलिस जो होता है वो आपको लिया जाता है किस चीज से, मतलब आपका जो है जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो स्पेशल कमिश्नर से, ज्वाइंट कमिश्नर से, या फिर उनकी सहायता से जो डिप्टी इंस्पेक्टर जो होते हैं उन्हीं को वहां पे खींच के लाया जाता है, उन्हीं को ये जो रैंक जो है उन्हीं से मतलब प्रमोट करके उनको बनाया जाता है। एंड इट इज सपोज टू अलाउ द डिसीजन मेकिंग टू फॉर फास्टर डिसीजन मेकिंग टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स अर्बन सेंट्रिक इशू। और यहाँ पे जो है यह जटिल जो है डिसीजन जो भी आपका जो होता है, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि जटिल अर्बन सेंट्रिक इश्यू जो भी होते हैं, जटिल शहरी मुद्दे जो भी होते हैं उसको हल करने के लिए
जो है हल करने के लिए तेजी से निर्णय लेने की अनुमति देने वाला होता है, जो भी आपका इसके कमिश्नरेट्स के जो भी सीपी होते हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस होते हैं, तो वो वहां पे बहुत ही जल्दी जो भी जो कॉम्प्लेक्स सेंट्रिक जो अर्बन सेंट्रिक जो इश्यू होते हैं उससे ये उम्मीद किया जाता है कि ये फास्टर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी इनका जो है वो ये किया जाता है। हाउ एंड हु हैड इम्प्लीमेंटेड, तो अंडर द सेवेंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के सेवेंथ शेड्यूल के अकॉर्डिंग पुलिस इज अंडर द स्टेट लिस्ट, मीनिंग द इंडिविजुअल स्टेट टिपिकली लेजिस्लेटिव लेजिस्लेट एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर दिस सब्जेक्ट। तो इस चीज का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि अगर हम लोग सेवेंथ शेड्यूल के अकॉर्डिंग चले तो पुलिस जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, जैसे कि इंडिविजुअल स्टेट के अंदर, लेजिस्लेटर लेजिस्लेचर के अंदर, या फिर उसका जो मतलब एक्सरसाइज जो भी वर्क होता है तो वो उसी एरिया में उस स्टेट के कंट्रोल में ही होते हैं। एंड वेयर इज द सिस्टम इन फोर्स, तो ये कहाँ पे अभी काम में है, कहाँ पे कार्यवाही में है। प्रीवियसली ओनली फोर सिटी हैड द सिस्टम, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद एंड द चेन्नई। तो अभी जो अगर हम लोग बात करें तो लगभग अभी प्रीवियस पहले समय में ये जो है आपका कोलकाता में था, मुंबई में था, हैदराबाद एंड चेन्नई में था। However, with the rapid urbanization, state felt and increasing the need to replicate the system in more places. तो इसी तरीके से जो है rapid urbanization के लिए यहाँ पे जो है इस चीज को लाया गया दिमाग पे। ठीक है, तो ऐसे तेजी से शहरीकरण के साथ राज्यों ने सिस्टम को अधिक स्थानों पर दोहराने के लिए बहुत आवश्यकता महसूस की, तो इसीलिए जो है इसका जो है वो गठन करने के लिए यूपी के द्वारा इसको जो है यहाँ पे दे दिया गया, मंजूरी दे दिया गया यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। एंड अगर हम लोग बात करें तो सिक्स नेशनल पुलिस कमीशन रिपोर्ट विच वॉज रिलीज इन 1983 एंड रिकमेंडेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम इन सिटीज विद द पॉपुलेशन ऑफ 5 लाख एंड अबव एज वेल एज इन प्लेस हैविंग द स्पेशल कंडीशन। तो यहाँ पे जब जो है सिक्स नेशनल पुलिस कमीशन रिपोर्ट में जो कब निकला था 1983 में जारी किया गया था, तो उसमें ये बोला गया कि जो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम जो सिटी में तभी दिया जाएगा जब उस सिटी की पॉपुलेशन 5 लाख से ज्यादा हो, साथ ही साथ वहां पे जो है कोई स्पेशल कंडीशन हो तब फिर उस कंडीशन में वहां पे जो है उनकी फैसिलिटी मतलब वहां पे दी जाएगी। ठीक है, एंड ओवर द ईयर इट हैज एक्सटेंडेड टू नंबरस सिटीज इंक्लूडिंग दिल्ली, पुणे एंड बेंगलुरु, अहमदाबाद। बाय जनवरी 2016 53 सिटी हैड दिस सिस्टम। राइट, तो यहाँ पे जो है अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे पिछले कुछ सालों में जो है ये बहुत सारे सिटीज में बढ़ चुका है, तो जैसे कि दिल्ली में भी है आपका, पुणे में है, बेंगलोर में है, अहमदाबाद में है, और जनवरी 2016 तक जो है अगर हम लोग बात करें तो 53 सिटी इस सिस्टम के अंदर थे। ठीक है, राइट, चलिए तो ये आपका कंप्लीट सेशन हो गया। चलिए अब इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस। राइट, तो रोड एक्सीडेंट डेटाबेस के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो डेटाबेस हैज बीन द लॉन्च बाई द गवर्नमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, इसमें क्या है कि आपका ये बताया गया कि द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलप बाय द इट इज डेवलप्ड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। ठीक है, इट विल इंप्लीमेंटेड बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो ये जो है आपका किसके द्वारा लागू किया जाएगा, ये आपका नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा लागू किया जाएगा। इसमें जो है प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट जो है वो 258 करोड़ रुपीज है, और जो कि सपोर्ट किसके द्वारा किया जाएगा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा सपोर्ट किया जाएगा। एंड इसमें जो है द सिस्टम विल बी द फर्स्ट पायलटेड द सिक्स स्टेट विद द हाईएस्ट फैटलिटी फ्रॉम द रोड क्रैशेस, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। तो ये सिस्टम जो है वो पहली बार जो है यहाँ पे 6 स्टेट में लागू होगा जिसमें मैक्सिमम जो है सड़क दुर्घटनाएं होती है। ठीक है, और जैसे कि आप बात कर सकते हैं किस किस में, तो आपका कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, तमिलनाडु में और आपका उत्तर प्रदेश में। तो ये 4-6 जगह पे जो है पहले सबसे पहले ये लागू होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे कि हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो आईआरएडी मोबाइल एप्लीकेशन विल एनेबल द पुलिस पर्सनल टू इंटर द
डिटेल अबाउट अ रोड एक्सीडेंट एंड अलोंग विद द फोटो एंड वीडियोज एंड फॉलोइंग विच अ यूनिक आईडी विल बी क्रिएटेड फॉर एक्सीडेंट्स. ठीक है, तो आईआरडी जो है वो एक मोबाइल एप्लीकेशन है, तो ये प्रोवाइड करेगा एक यूनिक आईडी जिसमें आपको जो है मतलब आईआरडी जो है आपका मतलब आईआरडी मतलब इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस मोबाइल जो है ये आपका मोबाइल एप्लीकेशन है. पुलिस कर्मियों को फोटो और वीडियो के साथ एक सड़क दुर्घटना के बारे में विवरण दर्ज करने में सक्षम होगा जिसके बाद घटना एक अद्वितीय आईडी बनाई जाएगी. ठीक है, जिसके बाद एक आईडी आपको बनाया जाएगा और उसी से आपको जो है वो ट्रैक किया जाएगा. अब उसके बाद जो है सब्सिक्वेंटली एन इंजीनियर फ्रॉम द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट और द लोकल बॉडी विल रिसीव द अलर्ट ऑन द मोबाइल फोन. तो जैसे ही अगर आपका ये बन जाता है तो इसके बाद लोक निर्माण विभाग जो आपके पब्लिक वर्क डेवलपमेंट पीडब्ल्यूडी होते हैं या फिर स्थानीय निकाय में एक इंजीनियर को उनके मोबाइल डिवाइस पर अलर्ट प्राप्त हो जाएगा, उनको अलर्ट मिल जाएगा. राइट, एंड ही और सी विल देन विजिट द एक्सीडेंट साइट एंड एग्जामिन इट एंड फीड द रिक्वायर्ड डिटेल्स सच एज द रोड डिजाइन. फिर उसके बाद जो है वह या तो दुर्घटना स्थल का दौरा करेंगे या फिर इनकी जांच करेंगे और आवश्यक विवरण जैसे कि सड़क का डिजाइन खिलाएगा. तो उस तरीके से जो है ये सारे चीज पे वो फोकस करेंगे कि आखिर वहां पे एक्सीडेंट होने का मेन रीजन क्या है. ठीक है, एंड तो ये सारा चीज है स्टूडेंट्स. एंड डाटा दस कलेक्टेड विल बी द एनालाइज बाय द टीम एट IITM मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के द्वारा जो है यहाँ पे इसका डाटा को कलेक्ट किया जाएगा और इसका एनालाइज किया जाएगा और जो सुझाव देगा कि विच विल द सजेस्ट इफ करेक्टिव मेजर इन द रोड डिजाइन नीड टू बी टेकन. जो ये बताएगा कि इसमें सड़क में जो है डिजाइन की सुधारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता है. एंड रोड यूजर विल ऑल्सो बी एबल टू अपलोड फोटो ऑन रोड एक्सीडेंट ऑन अ सेपरेट मोबाइल एप्लीकेशन विच इज एक्सपेक्टेड टू गिव लाइव गो लाइव फ्रॉम द अप्रैल 1. तो ये जो है ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि यहाँ पे 1 अप्रैल के बाद ये एप्लीकेशन जो है वो आपका काम करने लगेगा और इसमें रोड यूजर जो है वो अपने रोड एक्सीडेंट का जो भी है वो डिटेल यहाँ पे देंगे, एप्लीकेशन को फिल करेंगे. राइट, तो इस तरीके से आपका हो गया. इसके सिग्निफिकेंस और बेनिफिट्स क्या है कि इससे ये जो होगा कि आपका जो रोड के क्रैशेस होते हैं या फिर डिवाइजिंग जो सेफ्टी इंटरवेंशन है, ठीक है, उससे क्या होगा कि यहाँ पे जो रोड एक्सीडेंट होते हैं हमारे कंट्री में वो रिड्यूस हो जाएगा स्टूडेंट. तो सबसे पहले आपके सिग्निफिकेंस एंड बेनिफिट्स ये है और इसकी आवश्यकता क्या है. अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट की तो इंडिया में सबसे ज्यादा रोड फैटलिटी यहाँ पे देखी जाती है, सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत होती है. लगभग अगर हम लोग बात करें तो 1.5 लाख पीपल जो है वो रोड एक्सीडेंट से अपनी लाइफ को अपनी जान दे देते हैं. और यहाँ पे हमारे कंट्री में अगर 2018 में जो है वो 1.5 लाख लोगों की मौत हो गई है एंड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डाटा और टोटल पीपल किल्ड इन द रोड क्रैशेस इज इन 2018. ठीक है, तो यहाँ पे लगभग अगर हम लोग बात करें तो लगभग जो है वो रोड क्रैशेस में 2018 में 48% लोग जो हैं वो 18 साल से लेके 35 साल के लोग थे जो मर गए और बाकी के 60% लोग जो हैं वो ओवर ब्लीडिंग से इनकी डेथ हो गई. तो इस चीज़ का ध्यान देना है स्टूडेंट कि ये इसलिए इसका जरूरी है. राइट, चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे 8 वंडर ऑफ द संघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. द संघाई कॉरपोरेशन Organization has included a statue of the unity among the 8 wonder of the SCO. तो यहाँ पे जो है statue of unity को 8 wonder of SCO में connect कर लिया गया है, add कर लिया गया है. तो ये सारा चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे. Right? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये जो था 182 meter and the statue is 23 meter taller than the China Spring Temple Buddha statue and almost double the height of the statue of Liberty 93 meter. Tall in the US. तो ये जो है इसके जस्ट डबल के बराबर था. तो यहाँ पे लोकेटेड इन द साधु बेट आइलैंड्स नियर राजपीपला ऑन द नर्मदा रिवर द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज लोकेटेड बिटवीन द सतपुरा
एंड विद्यास माउंटेन रेंज, तो यहाँ पे ये लोकेशन हो गया। तो यहाँ पे जो है ये आपका जोड़ना जरूरी था। तो अभी जो है पहली आसान पे ये आ चुकी है, इंडिया का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और फिर आपका कजाकिस्तान का है, आर्कियोलॉजी, लैंडस्केप, थैम्बली डैमिंग, इंपीरियल पैलेस कॉम्प्लेक्स, लेक इशाकुल, फिर उसके बाद पाकिस्तान का है ग्रेट मुगल हेरिटेज एट लाहौर, गोल्डन रिंग सिटीज, उसके बाद आपका तजाकिस्तान का है द प्लेस ऑफ नौरूज एंड द पाई कालोन कॉम्प्लेक्स। तो ये सारा चीज एट वंडर में आपका कनेक्ट हो गया। अगर हम लोग देखें तो हमारे कंट्री का भी जो है वो नाम आपका इसमें एस सी ओ में आ चुका है। ठीक है, अब अबाउट द संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इट इज अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एंड इट क्रिएशन वॉज अनाउंस इन द 15 जनवरी 2001 इन संघाई चाइना बाय द रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, किर्गिज रिपब्लिक एंड द रशियन फेडरेशन एंड रिपब्लिक ऑफ तजाकिस्तान एंड रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान। तो ये सारे लोगों के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया, इसको हम लोगों के साथ यहाँ पे क्रिएट किया गया था इन लोगों के द्वारा कब, 15 जनवरी 2001 को। ये सारे लोग मेंबर थे जिन्होंने मिलकर इस चीज को बनाया था, संघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें जो है वो अगर हम लोग बात करें तो इसमें प्रीसीडेड, इट इज प्रीसीडेड बाय द संघाई फाइव मैकेनिज्म। तो यहाँ पे संघाई फाइव मैकेनिज्म है, ठीक है, पहले था, पहले से जो इसमें पांच ही मैकेनिज्म थे। अब यहाँ पे संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन चार्टर वाज साइन ड्यूरिंग द सेंट पीटर्सबर्ग एससीओ हेड ऑफ द स्टेट मीटिंग इन 2000 जून 2002 एंड एंटर इनटू द फोर्स इन 19 सितंबर 2003। तो ये जो है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका साइन किया गया, इसका चार्टर जो है वो कब साइन किया गया स्टूडेंट अगर हम लोग बात करें तो ये जो है आपका सेंट पीटर्सबर्ग संघाई सहयोग संगठन के प्रमुखों की बैठक के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। कब किए गए थे, 19 सितंबर 2003 को, राइट। अब एस सी ओ का मेन गोल क्या है, ठीक है, अगर एस सी ओ का मेन गोल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रेंथिंग द म्यूचुअल ट्रस्ट एंड नेबरलीनेस among the member state, promoting their effectiveness, cooperation in the politics, trade, the economy, research and technology and the culture as well as in education, energy, transport, environmental protection and the other areas, making the joint effort to maintain and ensure the peace, security, stability in the region and moving toward the establishment of a democratic, fair, rational news and international political and the economic order, right? तो यहाँ पे इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो इसका मेन गोल ये है कि ये जो है म्यूचुअल ट्रस्ट पे जो है वो ज्यादा जोर देता है, ठीक है, सदस्य राज्यों के बीच जैसे आपसी विश्वास या पड़ोसी की मजबूत करना इसका मेन काम है, चाहे वो पॉलिटिक्स के बारे में बात करें, राजनीति के बारे में बात करें, ट्रेड के बारे में बात करें, इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें, रिसर्च के बारे में बात करें, या फिर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, कल्चरल एजुकेशन, तो ये सारे चीज पे जो है यहाँ पे फोकस करते हैं। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इसका ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो दो है, एक है आपका रसिया और दूसरा है चाइनीज। सीओ का ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो रसिया एंड चाइनीज है। अब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे दो बॉडीज होते हैं इसके अंदर, कौन कौन से बॉडीज होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो बॉडीज अंडर द सीओ हेड ऑफ स्टेट काउंसिल एंड सेकंड नेक्स्ट है हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल। तो ये दोनों चीज पे हम लोग फोकस करेंगे, राइट, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो राज्य परिषद, जो इसका मतलब हो गया कि राज्य परिषद के जो प्रमुख जो होते हैं उसकी सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है, मतलब सबसे ऊपर जो होता है यही होता है, स्टेट काउंसिल का जो भी निर्णय होता है वो सबसे ऊपर होता है और यह वर्ष में एक बार मिलता है। और संगठन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सभी महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय और दिशा निर्देश अपनाता है, मतलब इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है स्टूडेंट्स,
हेड ऑफ स्टेट काउंसिल का, यही जो भी आपका जो इम्पोर्टेंट जो भी डिसीजन लेना रहता है वो हेड ऑफ स्टेट काउंसिल ही लेता है। अब अगर हम लोग बात करें तो हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल के बारे में, तो ये वर्ष में एक बार संगठन के बहुपक्षीय सहयोग राज चाहे रणनीति हो या फिर प्राथमिकता क्षेत्रों में बात करना हो, तो ये सारे चीज पे बात कौन करता है, ये आपका हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल करता है, राइट। सो यू कैन से दैट इट इज अ सुप्रीम, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसका जो मीट्स वंस अ ईयर टू डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन मल्टीलेटरल कॉर्पोरेशन स्ट्रेटजी एंड प्रायोरिटी एरिया टू रिजॉल्व द करेंट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एंड द अदर कॉर्पोरेशन इशू एंड ऑल्सो टू अप्रूव द ऑर्गेनाइजेशन एनुअल बजट। तो ये जो है ये सारे चीज पे फोकस करता है, मतलब इसका जो मेन जो काम है एजीसी का मतलब हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल का, तो ये जो है आपके किस किस चीज में बात करेगा, बहुपक्षीय, आप इसको बोल सकते हैं बहुपक्षीय, राइट, बहुपक्षीय सहयोग रणनीति के बारे में ये बात करता है, सहयोग रणनीति के बारे में बात करेगा, रणनीति पे फोकस होता है स्टूडेंट्स, राइट, या फिर प्राथमिकता क्षेत्र पर बात करना है या फिर महत्वपूर्ण मतलब जो होते हैं आप करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको तो 80 अफ्रीकन कंट्री के भी जो भी लोग हैं वो भी इसमें आपके पार्टिसिपेंट्स होंगे, जिसके बारे में हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। तो
इसी का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, राइट। चलिए तो हम लोग अभी क्या देख रहे थे, रायसीना डायलॉग्स हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखना है हम लोगों को, राइट। तो चलिए हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लगभग रायसीना डायलॉग्स का जो कि अभी रखा जा रहा है दिल्ली में, अगर हम लोग इसमें बात करें तो अभी जो इस डायलॉग्स में जो लोग आ रहे हैं वो लगभग 700 कंट्री जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें 80 जो कंट्री हैं वो अफ्रीकन कंट्री हैं जो इसमें आपके अभी भाग लेने वाले हैं। तो इस चीज पे अभी आपको फोकस करना है। और तो यहाँ पे ये मीट जो है वो रखा गया है। अब अगर हम लोग रायसीना डायलॉग्स के बारे में बात करें, दिस इज एनुअल जियो पॉलिटिकल इवेंट्स ऑर्गेनाइज बाई द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। तो ये जो है रायसीना डायलॉग्स जो है वो जियो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं, ठीक है। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा रखा जाता है। और इसका जो डिजाइन किया गया है वो टू एक्सप्लोर द प्रोस्पेक्ट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द एशियन इंटीग्रेशन एज वेल एज एशियाज इंटीग्रेशन विद द लार्जर वर्ल्ड। तो यहाँ पे एशिया का जो है वो जुड़ाव जो है, संपर्क जो है, या फिर जो भी प्रोस्पेक्ट्स है, अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना है, इसलिए इसका क्या किया गया है, रायसीना जो ये जो आपका जो है ये डायलॉग रखा गया है, ठीक है। एंड इट इज प्रिडिक्टेड ऑन इंडिया वाइटल रोल इन द इंडियन ओशियन रीजन। तो यहाँ पे ऐसा प्रिडिक्ट किया गया है कि इंडिया जो है इसमें इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा इंडियन ओशियन रीजन में। एंड हाउ इंडिया लॉन्ग विद इट्स पार्टनर कैन बिल्ड अ स्टेबल रीजन विद द वर्ल्ड, ठीक है। तो किस तरीके से जो है ये वर्ल्ड के साथ स्टेबल रीजन निभाएगा, तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। पार्टिसिपेंट के बारे में बात करेंगे तो इसमें जो है वो मल्टी स्टेक होल्डर है, क्रॉस सेक्टर लोग हैं आपका मीटिंग में, इसमें जो है आपका पॉलिसी एंड डिसीजन मेकर्स होंगे, एंड इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू द फॉरेन डिफेंस एंड द फिनांस ऑफ द डिफरेंट कंट्री, हाई लेवल गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड पॉलिसी प्रैक्टिशनर लीडिंग एंड पर्सनालिटी फॉर बिजनेस एंड इंडस्ट्री, मेंबर ऑफ स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी एंड मीडिया एंड अकेडमी। तो यहाँ पे जो है कॉन्फ्रेंस में जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो बहुत सारे लोग होंगे, और इसमें कोई लिमिट नहीं है कि कितने लोग होंगे, बहुत सारे, जितने मैक्सिमम लोग होंगे इसमें कोई लिमिटेशन नहीं रखा गया है, ठीक है। एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इवेंट्स, तो रायसीना डायलॉग्स जो है वो 2016 में इसका पहली बार जो है वो जन्म हुआ था एशियन सेंचुरी में, ठीक है। एंड वर्ल्ड वॉज टॉकिंग अबाउट वॉज नॉट अबाउट एनी एक्सक्लूसिव जियोग्राफिकल रीजन। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो एशियन सेंचुरी में ऐसा कहा जा रहा है कि वर्ल्ड जो है